Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to cover the second part of chapter 7 of Beehive class 9 English book, and the chapter is named as Reach for the Top. ये chapter two parts में divided है और इसके first part में हम already पढ़ चुके हैं Indian mountaineer संतोष यादव के बारे में और इस part two में हम पढ़ेंगे Russian tennis player मारिया शरपोवा के बारे में. तो इस chapter को start करने से पहले इसका before you read जो हमें इस chapter में दिया हो गया है पहले हम इसे पढ़ते हैं. ए रशियन गर्ल मारिया शरोपोवा रीच्ड द समिट ऑफ द विमेंस टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18. समिट यानी टॉप या एपेक्स या हाईएस्ट पॉइंट. तो रशियन गर्ल जो मारिया शरोपोवा है ठीक है वो विमेन टेनिस पे टॉप पर पहुंची जब वो केवल 18 इयर्स की थी. तो शी इज मारिया शरोपोवा. एज यू रीड अबाउट हर सी इफ यू कैन ड्रॉ ए कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव. अब जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप एक कंपैरिजन कर पाएंगे मारिया शरोपोवा और संतोष यादव के बारे में. देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शरोपोवा, समथिंग एट ऑड्स विथ हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. समथिंग डिसआर्मिंग मींस समथिंग दैट मेक्स यू फील फ्रेंडली, टेकिंग अवे योर सस्पिशियसनेस. एट ऑड्स विथ यानी इन कंट्रास्ट टू, नॉट एग्रीइंग विथ. तो देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शरोपोवा यानी मारिया शरोपोवा के बारे में कुछ ऐसा है, कुछ डिसआर्मिंग है जिसकी वजह से हम फ्रेंडली फील करते हैं उनके साथ. ठीक है, समथिंग एट ऑड्स विथ, कुछ ऐसा है जो कंट्रास्ट है उनकी रेडी स्माइल और उनके ग्लैमरस अटायर के साथ. अब व्हाट इज ग्लैमरस अटायर? ग्लैमरस अटायर मीन्स अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग क्लोथ. यानी जिस तरह के वो अट्रैक्टिव और ग्लैमरस कपड़े वो पहनती है और उनकी जो स्माइल है जो बहुत ब्यूटीफुल स्माइल उसके साथ कुछ ऐसा है जो मैच नहीं करता. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर वन पोजीशन इन विमेन्स टेनिस. और उनमें कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से वो विमेन टेनिस के फील्ड में नंबर वन पोजीशन पर पहुंची मंडे 22 अगस्त 2005 को. All this happened in almost no time. Almost no time means quickly या almost immediately. और ये सब हुआ almost no time यानी बहुत कम समय में ऐसा हो गया. Poised beyond her ear, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Poised beyond her ears means more calm, confident, and in control than people of her age usually are, and pinnacle is the highest point or level. तो poise beyond her years, Siberian born teenager कहा गया है मारिया शरपोवा को. ये इनकी बर्थ हुई थी साइबेरिया में जो साइबेरिया रशिया के अंदर आता है. ठीक है, तो इट्स poise beyond her years का मतलब बहुत छोटी सी एज में, जिस एज में अक्सर इनकी एज के जो लोग होते हैं वो इतने काम और कॉन्फिडेंट नहीं होते. यानी इतनी सी कम उम्र में ये साइबेरिया जो बॉर्न टीनेजर थी इनको पिनेकल तक यानी टेनिस में टॉप पर पहुंचने में एज ए प्रोफेशनल ठीक 4 साल लगे. हाउएवर द रैपिड एसेंट इन ए फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 years बिफोर विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर. एसेंट यानी मूविंग अप. Endure means to suffer something painful or uncomfortable, usually without complaining. However, फिर भी ये जो rapid moving up जो इनके कह सकते हैं आप इनके करियर में जो increase हुआ in a fiercely competitive world का मतलब है कि इस world में जो है बहुत ज्यादा competition है हर field में. ठीक है, तो ये जो इस competitive world में जो rapid ascent इनकी career में हुआ वो 9 years before, 9 years पहले ही शुरू हो गया था. यानी इनको इस एज में, बल्कि जिस एज में इनको ये नंबर वन पोजीशन पर पहुंची उससे 9 साल पहले ही इनको इतने सेक्रीफाइस देने पड़े कि शायद कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो इतना सेक्रीफाइस करने को तैयार होंगे. लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. पैक्ड ऑफ यानी सेंट ऑफ एंड टू ट्रेन मीन्स टू लर्न. तो लिटिल मारिया ने अभी तक अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था. यानी वे केवल 9 इयर्स की ही थी जब उनको यूनाइटेड स्टेट्स में टेनिस की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया.
That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. Launch yani started, and stardom means state of being famous. That trip to Florida, जब वो यूनाइटेड स्टेट्स जा रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स में जा रही थी वो फ्लोरिडा, और जा रही थी वो अपने फादर यूरी के साथ. उनके फादर का नाम था यूरी, नाम है यूरी, ठीक है. जब वो यूनाइटेड स्टेट्स जा रही थी, फ्लोरिडा जा रही थी अपने फादर यूरी के साथ, तो ये इनका इस वजह से इनकी लॉन्चिंग हुई पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम, यानी ये इनकी शुरुआत थी सक्सेसफुल होने की और फेमस होने की एक शुरुआत थी. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ड ट्रेंचिंग 2 ईयर्स सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना. मारिया शेरोपोवा की मदर का नाम है येलेना. हार्ड ट्रेंचिंग मीन्स कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस. लेकिन ये जो इनको ट्रिप थी फ्लोरिडा के लिए, जो ट्रेनिंग लेने के लिए जा रही थी, इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि इनको अपनी मदर येलेना से 2 साल का सेपरेशन, इनको जो हार्ड रेंचिंग सेपरेशन था वो इनको झेलना पड़ा. द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन. कंपेल्ड यानी टू फोर्स समवन टू डू समथिंग. द लेटर, लेटर कहा गया है मदर येलेना के लिए, जिनके लिए बाद में बात की गई है, उनको लेटर, ठीक है. तो जो येलेना यानी जो उनकी मदर येलेना थी, वो मजबूर थी साइबेरिया में रुकने के लिए ही, ठीक है, साइबेरिया वापस जाने के लिए ही वीजा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से. द 9 ईयर ओल्ड गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस. ये 9 ईयर ओल्ड गर्ल मारिया ये एक इम्पोर्टेंट लेसन, एक इम्पोर्टेंट लेसन लाइफ में सीख चुकी थी. वो क्या था? वो ये था कि अगर टेनिस में एक्सीलेंस उनको लेना है, तो इसके लिए कोई ना कोई उनको प्राइस यानी कोई ना कोई कीमत तो उनको चुकानी ही पड़ेगी. I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. Recalls means to remember something from the past. मारिया शरोपोवा कुछ याद करते हुए कहती हैं, आई यूज टू बी सो लोनली, मैं बहुत अकेला फील किया करती थी. आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, टेरिबली यानी वेरी बैडली, कि मैं अपनी मदर को बहुत ज्यादा याद किया करती थी. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. वो कहती हैं, मेरे फादर इतना काम किया करते थे जितना वो कर सकते थे, ताकि मेरी जो टेनिस ट्रेनिंग है वो पूरी पूरी यानी ठीक ठाक चलती रहे, वो उसमें बीच में कोई रुकावट ना आए. सो ही कुडंट सी मी आइदर, तो वो भी यानी उनके जो फादर यूरी थे, वो भी मुझसे मिलने नहीं आ सकते थे. बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो बेड एट 8 PM. मारिया कहती है कि क्योंकि मैं बहुत यंग थी यानी बहुत छोटी एज की थी, केवल 9 ईयर्स की थी, तो मैं 8 PM पर ही यानी रात के 8 बजे ही सोने चली जाया करती थी. द अदर टेनिस प्यूपल्स would come in at 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. ठीक है, pupils यानी young students. वो कहती हैं जो दूसरे tennis students थे, वो रात को 11 बजे लौट के आते थे room में और मुझे जगा दिया करते थे और मुझे order दिया करते थे कि अभी ही room को साफ करो. ठीक है, तो वो छोटी थी तो 8 बजे सो जाया करती थी, और जो दूसरे टेनिस स्टूडेंट्स थे, जो इनके सीनियर कह सकते हैं आप, वो रात के 11 बजे लौट कर आते थे और उनको इसी समय जगा दिया करते थे और उसी समय कमरे को साफ करने के लिए कहते थे. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिंड एंड मेंटली टफ. तो मारिया कहती है, इंस्टेड ऑफ लेटिंग, लेटिंग यानी टू अलाउ, कि बजाय इसके कि मैं इन सब चीजों से, इन परेशानियों से मैं डिप्रेस हो जाती, बल्कि मैं और ज्यादा डिटरमिंड हो गई और मेंटली टफ हो गई. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा किस तरह से अपनी देखभाल की जाती है. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड. मारिया कहती है कि मैंने कभी टेनिस को क्विट करने के बारे में, टेनिस को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. ठीक है, तो मारिया कहती है कि जब तुम ऐसी जगह से आते हो जहां पर आपके पास कुछ नहीं होता, and you have nothing, और आपके पास कुछ नहीं है, यानी आप ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां आप कुछ नहीं है, कहीं स्टैंड नहीं करते और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा हंग्री एंड डिटरमिंड हो जाते हैं. हंग्री से मतलब जब आप किसी चीज को, किसी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए जो हंगर है वो, और डिटरमिंड, आप बहुत ज्यादा डिटरमिंड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हंग्री हो जाते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, जब आप ऐसी जगह से आते हैं कि जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं है.
I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. Humiliation means the feeling of being ashamed. Steadfastly, strongly and continuously pursue, yani to try to achieve something. Maria कहती है, I have put up with much more humiliation and insults. वो कहती है मैं और ज्यादा insult और ज्यादा जो फीलिंग है बीइंग अशेम्ड वो और ज्यादा मैं एंड्योर कर लेती, बहुत ज्यादा और सह लेती अगर मुझे अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए इससे भी ज्यादा इंसल्ट सहनी पड़ती तो. ठीक है, यानी वो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, ड्रीम को अचीव करने के लिए अगर मुझे इससे भी ज्यादा इंसल्ट सहनी पड़ती तो मैं वो भी करती. That toughness runs through Maria even today. और यही toughness आज भी Maria के अंदर चलती है, Maria के अंदर दौड़ती है. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. Bagging means to obtain through effort. It was the key. यही जो toughness है, यही key है. इस वजह से ही उनको Wimbledon 2004 में women's singles crown उन्होंने जीता. And to her meteoric rise to the world number one spot the following year. Meteoric, meteoric यानी very fast और successful. Following year यानी next year. ठीक है, और यही जो toughness थी उसकी वजह से वो world के number one पर पहुंची. ठीक है, following year यानी 2005 में, 2004 के अगले वाला year यानी 2005. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. Sentiments means emotions, feeling or opinion. While her journey, ये जो journey थी उनकी frozen plains of Siberia से कहाँ तक? Summit of women tennis तक, यानी women tennis के top तक पहुँचने तक की journey. साइबेरिया से लेके विमेन टेनिस के टॉप पर पहुंचने की जो जर्नी थी उसकी वजह से जो उनके टेनिस फैंस थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे. ठीक है, फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ, क्योंकि जो यंगस्टर थी यानी जो मारिया शिरोपोवा थी उनके पास कोई नो रूम, कोई जगह ही नहीं थी किसी भी तरीके के किसी सेंटिमेंट्स की. और यही बात उनके टेनिस फैंस के हार्ट्स को टच करती है. The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifice well worth it. The straight looks and the answer she gives. जब उनसे उनकी ambition के बारे में पूछा जाता है तो जिस तरह का straight look और जिस तरह के answers वो देती हैं, ठीक है, तो इससे क्लियर होता है, मोर देन सफिशियंट, इससे बिल्कुल ये क्लियर होता है कि वो हर तरीके का जो सेक्रीफाइस है जो उन्होंने दिया वो उन्होंने सही दिए थे, यानी इनको सेक्रीफाइस इस चीज के लिए करने ही थे. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, वो कहती है मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ. आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैं मेहनत करती हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ या मैं जितना मैं कर सकती हूँ. इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है. दैट इज This is her mantra for success. और यही उनका मंत्र है सक्सेसफुल होने के लिए. क्या मंत्र है? हार्ड वर्क. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. अब हालांकि मारिया शरोपोवा एक अमेरिकन एक्सेंट में बात करती हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी रशियन नेशनलिटी पर प्राउड फील करती हैं. Clearing all doubts, she says, I am Russian. वो कहती हैं पूरे डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती हैं मैं रशियन हूँ. इट्स ट्रू दैट द यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ, और ये बिल्कुल सच बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है मेरी लाइफ का एक बड़ा पार्ट है. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास सिटीजनशिप है रशिया की. माई ब्लड इज टोटली रशियन. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी. वो कहती है मैं रशिया के लिए ओलंपिक्स खेलूंगी अगर रशिया जो रशियन है या रशिया जो है मुझे चाहता है कि मैं ओलंपिक्स खेलूं रशिया की तरफ से, तो मैं ऐसा जरूर करूंगी. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस मारिया शिरोपोवा लिस्ट फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज अ हॉबीज. किसी भी दूसरी टीनेज गर्ल की तरह से ही मारिया शिरोपोवा को भी पसंद है फैशन सिंगिंग डांसिंग, और ये सब उनकी हॉबीज हैं. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. वो उनको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है जिनके राइटर हैं
आर्थर कोनन डॉयल, हर फॉन्डनेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक। सोफिस्टिकेटेड यानी प्लीजिंग एंड फैशनेबल, पैनकेक्स यानी वेरी थिन राउंड केक दैट इज मेड बाय फ्राइंग ए मिक्सचर ऑफ फ्लोर मिल्क एग्स दैट इज पैनकेक, एंड फिजी यानी कंटेनिंग वेरी मेनी स्मॉल बबल्स ऑफ गैस, यानी आप कह सकते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। तो उनकी जो शौकीन है वो किसकी? सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स की, ठीक है, यानी उनको फैशनेबल इवनिंग गाउन्स बहुत पसंद है, और एक तरफ उनको पसंद है पैनकेक विद चॉकलेट स्प्रेड स्प्रेड और ऑरेंज ड्रिंक, यानी एरेटेड ऑरेंज ड्रिंक जिनको पसंद है, यानी दोनों ही चीजें बिल्कुल उनके साथ में कंट्रास्ट में रहती हैं। एक तरफ तो उनको इवनिंग गाउन पसंद है और एक तरफ उनको पैनकेक्स और ऑरेंज ड्रिंक्स बहुत पसंद करती हैं। मारिया शरोपोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। पिजन होल्ड यानी टू पुट इनटू ए ग्रुप क्लास और कैटेगरी। मारिया शरोपोवा को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, किसी भी क्लास या किसी भी कैटेगरी में बाउंड करके नहीं रखा जा सकता। हर टैलेंट अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अनवेवरिंग यानी नेवर चेंजिंग, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो अनवेवरिंग डिजायर है, यानी नेवर चेंज, कभी चेंज ना होने वाली डिजायर है सक्सेसफुल होने के लिए, और वो हमेशा रेडी रहती हैं सैक्रिफाइस करने के लिए, इन्हीं सब चीजों ने उनको वर्ल्ड में टॉप पर पहुंचाया। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेज शी इज नाउ रीपिंग। ग्रज, ग्रज यानी फीलिंग ऑफ डिसलाइक और एंगर, एंड रीपिंग टू मेक ए बिग प्रॉफिट। ठीक है, कुछ लोग उनसे क्या कह सकते हैं, कुछ लोग उनसे जेलस फील करते होंगे उस रिचेस के लिए, उस संपत्ति के लिए कह सकते हैं जो उनको आज मिल रही है। लेकिन यहाँ संपत्ति का मतलब केवल पैसे से ही या केवल मनी से ही नहीं है, या नेम फेम सभी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी जो उनको नेम मिला है, जो उनको सक्सेस मिली है और जो उनको फेम मिला है, कुछ लोग शायद उससे जेलस फील करते होंगे। दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मोनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। ठीक है, तो दिस इज वॉट, यही वजह है कि वो अपनी मोनेटरी गेन्स यानी जो मनी बात मनी जो गेन उनको होती है टेनिस से, उसके बारे में कहती हैं वो। ऑफ कोर्स मनी इज ए मोटिवेशन, वो कहती है मनी मोटिवेशन है, टेनिस इज ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट, टेनिस एक बिजनेस है स्पोर्ट भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वर्ल्ड में नंबर वन बनना, दैट्स द ड्रीम दैट कैप्ट मी गोइंग। वो कहती है यही वो ड्रीम है कि वर्ल्ड में मुझे टॉप पर बने रहना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है जिसकी वजह से मैं क्या करती रहती हूँ, जिससे मैं वजह से मैं आगे बढ़ना चाहिए, आगे मुझे बढ़ते रहना चाहिए, यही वो ड्रीम है जिसकी वजह से मैं हमेशा आगे बढ़ने की सोचती हूँ। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और काफी मोटिवेशनल स्टोरी है मारिया शरपोवा की। हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो हमें अपना अचीवमेंट, हमें अपना गोल एक दिन जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।